हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो पहले शुरू करते हैं HSBC से। HSBC होल्डिंग जो ब्रिटेन का एक कंपनी है, HSBC ने इंडिया में एक नई CEO को अपॉइंट किया है। उसका नाम है हितेंद्र देव। HSBC के लिए इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट है, इसलिए वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहता है। इंडिया में HSBC की 26 ब्रांच है पूरी 14 सिटी में। इंडिया में HSBC में जो काम करते हैं वो एम्प्लॉय 40,000 के पास है, तो एक बहुत बड़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है HSBC इंडिया में। तो नेक्स्ट खबर की बात करें तो नेक्स्ट खबर आ रहे चाइना और इंडिया से। पहले नंबर पर है USA, सेकेंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर UAE है। पहले UAE सेकेंड नंबर पर था, लेकिन चाइना ने उसे रिप्लेस कर दिया। हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है पेटीएम को लेकर। पेटीएम जो इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है, उसका इसी साल में रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ है। 11% उसका रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, ऐसा पेटीएम का कहना है। क्योंकि पेटीएम इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है। हमारा लास्ट अपडेट आ रहा है IOC से। IOC जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने गुजरात की कोयली रिफाइनरी में 24,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कहा है। गुजरात का जो कोयली रिफाइनरी उनका है, वो अभी 4.3 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन कर पाता है। अगर इसी पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो 18 मिलियन टन पर ईयर प्रोडक्शन कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। 5,00,000 टन पर ईयर हिसाब से वो पॉलीप्रोपाइलीन बना पाएंगे। उसके साथ 2,37,000 टन लिब ऑयल प्रोडक्शन कर पाएंगे, ऐसा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वालों का कहना है। इसके साथ इस वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।